नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनजानापन का डर। अगर आप साइकोलॉजिकल ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया में हैं, तो इस अनजानेपन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये अनजानापन क्या है, हमारा डर क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्यों हो रही है, मैं डर क्यों रहा हूं, ओसीडी के जो कंपल्शंस हैं, मन्नत के विचार हैं, मन्नत से मैं क्यों परेशान हूं, बार बार टेस्ट जो करवा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर बन चुके हैं, आपके जो फियर्स हैं, फियर के पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने वाला हूं। अनजानेपन का मतलब कुछ हो जाएगा। आप यहां पे रहते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं आपके, कि चाहे वो गंदगी वाला है, सफाई वाला है, चेकिंग वाला है, चीजों को व्यवस्थित करके रखना है, मन्नत है कि मैंने मन्नत मांग ली, वो जो डिसऑर्डर्स हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन डर जो है, जो फियर है, वो जो कंपल्शन आप बार बार करते हैं, चेकिंग बार बार करते हैं, थॉट्स बार बार आपको आता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, उन फियर्स के पीछे, आपके माइंड की सफरिंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन है अननोनेस, अनजानापन, कुछ हो जाएगा। आप अपने आप से एक ही बात पूछते हैं, कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं जब पूछता हूं कि क्या हो जाएगा, पता नहीं। यही आंसर आता है। जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, फियर्स में हैं, फोबियाज में हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में इस बात को समझ लो, बहुत प्रैक्टिकल है और रियल है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर क्यों है। डर है अनजानेपन की वजह से, कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, अननोनेस है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बिजली है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से डर है क्योंकि कुछ हो जाएगा, कुछ, ये डर, इसको अच्छे से समझते हैं अननोनेस को। बिजली, बिजली से डर है, नॉर्मल लाइफ में भी है, और ओसीडी वाले जो डिसऑर्डर में चला गया है माइंड, आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है ओसीडी का मतलब, उसको अच्छे से जाके देख लो, उस वीडियो को, सेकंड लास्ट वीडियो है इस वीडियो से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, डर, ये नॉर्मल है, कुछ हो जाएगा, यहां पर भी है कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जैसे ही वायर को आप हाथ लगाते हो तो आपकी बॉडी को, शरीर को प्रॉब्लम होगा, खत्म हो सकती है, डेथ हो सकती है। यहां पर क्या है, बिजली के बारे में हमें पता है, ये देखो, डर, रियल पता है, बिजली, डर, पता है, बिजली, डर, पता है हमें, क्या पता है कि कुछ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पता है हमें क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए, यहां पर समझने वाली बात है, क्या हम इसके साथ नहीं रहते, क्या बिजली से कभी भागते हैं, उसको, वो हमारे हाथ में नहीं है आज, उसकी वायर्स हमारे हाथ में नहीं है, क्या बिजली के बिना काम चलता है? डर होने के बावजूद भी, लेकिन हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, हम इसके साथ क्यों रह पाते हैं? बहुत बड़ा नुकसान है, डेथ हो जाएगी, पता है हमें, फिर भी इसके साथ रह रहे हैं। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, बिजली के बिना, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है, पता, नॉलेज, इसमें जान है, यहां पे अनजानापन नहीं है, कुछ हो जाएगा पता है, पता नहीं, जो मैंने कहा, यहां पर पता है, कुछ पता है कि हमें क्या होगा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन रियल फियर में हमें पता है कि क्या हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैनेज करना हमने सीख लिया है। अननोन फियर्स, अनजानापन, इस अनजानेपन को कैसे दूर करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अच्छे से समझो, आप डिटेल में समझो, समझने की आप कोशिश करिए, लेकिन
मन्नत रख लेते हैं, मन्नत का विचार, मन्नत प्लस भगवान डाल देता हूं मैं, भगवान। यहां पे आप बताइए, जो मन्नत, मन्नत से आप जो परेशान रहते हैं रिलीजियस सोसाइटी में, सेक्सुअल थॉट्स में, भगवान कुछ कर देंगे। भगवान यहां पर डर क्या है, भगवान से भी डर है, नॉर्मल लाइफ में भी भगवान से भी डर है ना, कंटेमिनेशन, गंदगी से भी डर है, गंदगी से। तो ये रिलीजियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, तो भगवान से भी डर है। लेकिन यहां पर पता रियल में पता है, यहां पर पता नहीं है, कंटेमिनेशन, ओसीडी, डिप्रेशन। यहां पे रियल, ये रियल लाइफ, ये रियल है, ये डिसऑर्डर है, ये रियल है, ये डिसऑर्डर है। रियल बिजली, एक रियल फियर, सच है कि कुछ हो जाएगा, बिजली को हाथ लगाओगे कुछ हो जाएगा। भगवान सजा देंगे नहीं देंगे पता नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुना है, सुना है, कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन ये सुना नहीं है, देखा है, प्रैक्टिकली हुआ है, ये हम जानते हैं अच्छे से, पता है, तो इसलिए हम बिजली के साथ रह रहे हैं। लेकिन मन्नत, सेक्स और थॉट्स, कंटेमिनेशन, वो गंदगी, आपका माइंड डिसऑर्डर में एक ऐसी अवस्था में है जो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उसको पता नहीं है, यहां पर पता नहीं है, डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में माइंड को कुछ भी पता नहीं है, वो डर है उसके अंदर। डर यहां पर भी है, पता है, लेकिन हम इसके साथ रह रहे हैं। ऊंचाई से, ऊंचाई बिजली हो गया, ऊपर ऊंचाई, ऊंचाई हो गया, बाइक चलाकर, गाड़ी, गाड़ी का कुछ हो जाने का डर, लेकिन फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गिरने का डर यहां पर भी है ऊंचाई में, वहां पर भी गिरने का डर है। ये रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, पता है हमें, पता है आपको, लेकिन उसके बाद भी हम ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितना आगे रहना है, कितना पीछे रहना है, कितना जाना है जिसमें हम सेफ हो सकें। बिजली भी हमें पता है, क्योंकि वायर के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक रबड़ चढ़ा ली, कि उस करंट होने के बावजूद भी हम उस वायर को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। बताइए ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते? यस करते हैं। ऊंचाई के ऊपर नहीं जाते, जाते हैं, डर है फिर भी जाते हैं। गाड़ी चलाने का डर है, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, सब कुछ पता, लेकिन डिसऑर्डर माइंड में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये है अननोन फियर। तो इस अननोन फियर को खत्म कैसे किया जाना चाहिए, इस अननोन फियर को खत्म आप कैसे कर सकते हैं, इस अनजानेपन को, अनजानापन जो है, अननोन फियर जो है, उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं ये डिसऑर्डर में, क्योंकि ये सारा अननोन फियर है। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछते हैं, काउंसलर से बार बार पूछे कि क्या ये गंदा है कि नहीं, क्या मुझे सजा मिलेगी, भगवान सजा देंगे, क्या मुझे एचआईवी तो नहीं हो जाएगा, रैबिस तो नहीं हो जाएगा। बस आप मन को संतुष्ट करते हैं, मन को संतुष्ट करते हैं, किससे, पूछ करके, क्योंकि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझो डिटेल में, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सुनकर, देखो यहां पर बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप इसको समझ पाए तो आप ओसीडी का इलाज कर पाएंगे, या अपने आप को आजाद कर पाएंगे डरों से, फियर से, और जो रियल फियर है, जो एक नॉर्मल लाइफ में होता, वहां पर आप आ सकते हैं, जैसे आज मैं हूं। तो देखो, इस अनजानेपन को आप दूर करने की कोशिश करते हैं सुनकर, पूछ करके, मन को आपको संतुष्टि मिल जाती है। क्योंकि अगर आपने, अब बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आपने दोस्तों अनजानेपन को, अननोननेस को अगर आपने खत्म करना है, तो सुनना सिर्फ आपको हेल्प दे सकता है, सहायक हो सकता है, सहायक, हेल्प हो सकता है। मैं अगर आपको आज यहां पर बोल रहा हूं, तो आपको अननोन में जाना पड़ेगा,
क्योंकि मैंने आज अगर अपने फियर को रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपके साथ हूं, अगर आज मैंने अपने अननोन फियर्स, देखो अननोन फियर्स रूनी के डिसऑर्डर होता है, सफलता को लेकर के भी होता है, असफलता को लेकर के भी होता है, बच्चे को लगता है एग्जाम में कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, अननोन फियर है, पता नहीं क्या हो जाएगा यार, हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ का क्या होगा, 20s में आकर, 20, 50s में आकर, 15 years की एज में आकर के जो लोग यंग टीनेजर हैं वो आके मुझे बोलते हैं कि सर मेरी लाइफ तो खत्म, लाइफ खत्म, इस एज में आकर के बोल रहे हैं, क्योंकि वो अननोन फियर में जी रहे हैं, अनजानेपन में जी रहे हैं। तो इस अनजानेपन को आप खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनो। सिंपल सा तरीका ये दोस्तों, ध्यान से सुनो, और बड़ी बात, सिंपल सा तरीका ये कि इस अनजानेपन को खत्म करने के लिए आपको अनजानेपन में लाइन को नोट कर लो, आपको अनजानेपन में उस अननोन में उतरना पड़ेगा, उस अननोन में, उस अनजानेपन में उतरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, अनजानेपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अनजानेपन में जाएंगे तभी तो आप इसको जान पाएंगे, पता है तभी तो आप कह पाएंगे ना कि मैं जानता हूं। आज मैं जितने भी आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं उनके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, जो आपका ये सवाल है कि कुछ हो जाएगा, मैं जानता हूं कि क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं, इसलिए मेरे अंदर निडर है, मैं जानता हूं ये बैलेंस है लाइफ में, जो रियल लाइफ की जो मैंने बात करी बिजली का, उसमें मैं जानता हूं कि क्या सही क्या गलत की पहचान समझ पाता हूं। क्यों? क्योंकि अनजानेपन में आपको उतरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन आप कैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सुन करके, वो सहायक होगा, आपको थोड़ा रिलीफ देगा, आपको संतुष्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं। डर को दूर करने के लिए सुनो, डर को खत्म किया जा सकता है, आपको डर है, पहले आप कहें कि पहले मेरा डर खत्म हो तभी मैं पानी में जाऊंगा, मेरा डर खत्म हो तभी मैं बाइक चलाऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसको साइकोलॉजिकल भाषा में जो ईआरपी थेरेपी है, डायरेक्ट एक्सपोज करना, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सीधा समुद्र में चले जाओ, सीधा जहाज चलाने लग जाओ, नहीं, डर को खत्म, मतलब एक्सपोजर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इस अनजानेपन में उतरना है, इस डर में उतरना है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड डरा हुआ है, तो एक स्टेप, एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जो आप कहते हैं ना कि जो मैंने कहा कि आपको डर में उतरना पड़ेगा, डर में रह करके आपको डर का सामना करना पड़ेगा, तो एक स्टेप प्रोसेस है ईआरपी का, उस अनजानेपन में आपको जाना पड़ेगा, जो आपके लिए अनजानापन कौन सा है, कुछ हो जाएगा लाइफ में, बस ऐसे कुछ हो जाएगा, तभी तो लोग स्टेप नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो एक उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, कुछ हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग कहते, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेने लेते कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं क्या पता, वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो नहीं ले पाते, बहुत बड़ी बात है। इस अनजानेपन को खत्म करना, जैसे अकेलेपन को खत्म करना, इस अनजानेपन को खत्म करना, जिस दिन आपने अनजानेपन को खत्म कर दिया तो अकेलेपन को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लाइफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे मैंने अपने आप को स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग बनाया है, इस अनजानेपन को खत्म किया, इस अकेलेपन को खत्म किया, उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को,
उन फियर्स को खत्म किया है और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और पीसफुल बनाया है। उसके रीजंस को आपको समझना है, जानना है, लेकिन आपका तरीका गलत है। आप सिर्फ सुनकर, क्योंकि इस अनजानेपन को जानने के लिए, डर में उतरने के लिए एक चीज चाहिए, करेज, बहुत बड़ी हिम्मत। हिम्मत को डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने सुन लिया और हो गया, कर दिया होगा, नहीं। हो सकता है कि आपको महीने, दो महीने, एक टाइम लगे, एक ग्रेजुअली प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ के ऑल फियर्स, अननोन फियर्स, कुछ हो जाएगा से आप बाहर आ सकते हैं। उस अकेलेपन की परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। ये तरीका है कि आपको उसमें उतरना पड़ेगा। मैंने देखा, मैं उस अनजानेपन को जान गया कि क्या होता है, सिंपल, कि मैं अनजानेपन को जान गया क्या होता है, डर को जान गया कि क्या होता है। यहां पर डिसऑर्डर में आपको पता नहीं है, नॉर्मल लाइफ में पता है, कुछ चीजों में डर है पता है, फिर भी हम वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन डिसऑर्डर में कुछ भी पता नहीं है। आप वो पता करने की कोशिश करिए। आप इस अनजानेपन से जानने में अगर आप आना चाहते हैं मेरे साथ, तो दोस्तों मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि इस वीडियोस के माध्यम से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मैं ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप वीडियो देखकर भी आप ठीक हो सकते हैं। काउंसलिंग लें ना लें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप तभी ठीक हो सकते हैं वीडियो देख करके, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे। अगर आप अकेले नहीं कर पाए तो फिर आप मुझे ज्वाइन करिए, फिर आप मेरा कोर्स लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, टाइम आप बिताइए, अगर आप अपनी लाइफ को ऊपर लेकर के आना चाहते हैं तो फिर ही आप फोन करिए, नहीं तो वीडियो देख करके भी आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपना इलाज ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।